नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। कुकड़ू प्रकरण अंतर्गत चांदिल डैम विस्थापित क्षेत्र जापागड़ा बनागड़ा में कई दिनों से जंगली हाथियों ने डेरा जमा रखा है। बुधवार रात समय 1 बजे के आसपास हाथी के झुंड द्वारा भोजन की तलाश में कई घरों में रखे अनाज को अपना दिवाला बना लिया। साथ ही क्षति पहुँचाने के दौरान बिजली के 220 वोल्ट के तार में शॉर्ट सर्किट से कई पुआल के घरों में आग लग गई और वे जलकर राख हो गए। मुड़िया पंचायत की कुमारी गांव में शॉर्ट सर्किट से 8 घर जलकर स्वाहा हो गए। गांव में जंगली हाथियों के झुंड क्रॉस करने के दौरान बिजली का तार गिरने से शॉर्ट सर्किट हो गया। घरों के अंदर रखे चावल, दान, मवेशी, कागज जलकर राख हो गए। कोई व्यक्ति को हाथ नहीं हुई है, लेकिन जंगली हाथी के आतंक के कारण अपने आशियाना जल जाने से ग्रामीणों ने स्कूल में आश्रय लिया हुआ है। आज किया होगा उन ग्रामीणों का जिसका घर जल जाने से भोजन पाने के लिए कोई सामग्री घर में नहीं बचा। चांडिल वन क्षेत्र पदाधिकारी मैनेजर मिर्धा ने बताया, हाथी का झुंड कई ग्रुप में विचरण करते हैं। साथ ही भोजन की तलाश में गांव पहुंचे और गांव पार करने के दौरान बिजली का तार गिरा और घरों में आग लग गई। सभी क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाएगा। विभाग की टीम पहुंच गई है। सभी लोगों को तिरपाल की व्यवस्था की जाएगी। हम लोग भेजते हैं हाथी को भगाने को, प्रजा से भगा भी देते हैं, फिर ले देकर हाथी फिर वापस आ जाता है। उसमें जिसका जो क्षति होता है जो उसका मुआवजा हम लोग दिलाते हैं। फार्म भरता है, जैसे घर वगैरह तोड़ता है या फसल वगैरह बर्बाद करता है, उसका मुआवजा हम लोग सरकार से दिलाते हैं। सर आपके ओरिया वगैरह ऐसे तो मान लिया कई जगह पर हाथी है, कहीं पर 2 ठो है, कहीं 16 की संख्या में भी है, ऐसे कहीं 1 ठो भी है, कई कई मैंने जगह पर इस तरह का फैले का व्यवस्था करते हैं। हाथी टीम टीम जो है मेरा वो भगाने का काम। सर कल की घटना आपको सूचना मिला कि कल हाथी आपको उड़िया में गांव में घुसे थे और क्रॉस करने के कारण गांव में आग लग गई? हाँ, ये तो मिला सूचना। तो ये हाथी क्रॉस कर रहा था, उसी में तार शायद खींचा गया और उसी में शॉर्ट सर्किट किया, जिसके चलते मैंने यही ग्रामीण से सूचना मिला। तत्काल मेरा स्टाफ वहाँ पर पहुँचा हुआ, मैं भी अभी बस जाऊँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुना मैंने घर में लिखा हुआ। बोलिए सुनील जी, ये घटना कैसे हुआ? देखिए भाई, ये जो घटना हुआ, हमको भी जब सूचना मिला रात को तो हम लोग भी दुखित था कि हमारे क्षेत्र में कुकरू प्रखंड के अंतर्गत आपका उड़िया पंचायत के अंतर्गत कुमारी गांव में अचानक नहीं है ये घटना, अचानक नहीं है ये घटना जो घटा है। इसका पहले हमारे वाइस चेयरमैन मधुश्री महतो ने बार बार सूचना दिया विभाग को, लेकिन विभाग उतना एक्टिव नहीं हुआ। सिर्फ विभाग ही नहीं, आज जो घटना हुआ इसका पीछे रीजन यही है कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार जिम्मेवारी है। चूँकि वो लोग जानबूझ के हाथी ठाकुर को जान मारने के लिए यहाँ भेज देते हैं, इसका कोई सुरक्षा नहीं किया जाता है। क्योंकि यहाँ ऐसा स्थिति है कि दोनों सरकार को कि यहाँ अगर ठाकुर ने कुछ आदमी को जान मार देगा, घर धसा देगा, ऐसा अगर घटना होता है तो उसमें उन लोगों का लेन देन नहीं है, उसमें उन लोगों का उतना ये नहीं है, भूमिका नहीं है। और इसलिए घटना घटा कि हमारे गांव का जो विस्थापित एरिया है, कुम्हारी गांव है, इस कुम्हारी गांव में लगभग 10 से 12 घर एकदम जल के राख हो गया है। और जब सूचना दिया गया तो अभी तक कोई भी सरकार ने, न सेंट्रल सरकार बोलिए, राज्य सरकार बोलिए, किसी प्रकार का अभी तक कुछ मुआवजा का लिए अभी तक पहुंचा नहीं है। और दुख की बात यह है कि ये सरकार, दोनों सरकार षड्यंत्र के आधार पर ये हमारे आदमी को मारने चाह रहा है ठाकुर के माध्यम से, तब जाके इस घटना घट रहा है। सिर्फ आज यहाँ का नहीं, इस क्षेत्रों में बहुत दिन से प्रकोप चल रहा है ठाकुर का। और ठाकुर का ऐसा प्रकोप चल रहा है जैसे महाभारत कांड में अभिमन्यु को जिस प्रकार से मारा गया है, उस प्रकार से ठाकुर का माध्यम से यहाँ का आदमी को जान लेने के लिए ठाकुर को भेज दिया गया है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो।
इसीलिए दोषी उन लोग हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं दोनों सरकार को, अगर जल्दी से जल्द इस सब का व्यवस्था नहीं करेंगे तो आदमी लोग उग्र हो जाएंगे, और उग्र होकर हम लोग अपना अपना हथियार लेके अपना अपना ये लेके अपना अपना विभाग, चाहे वीडियो साहब का हुआ हो, चाहे रंजार साहब का हुआ हो, चाहे कहीं भी ऑफिस में, कहीं भी ऑफिस में हम लोग जाके धरना में बैठेंगे। जब तक हम लोगों का व्यवस्था का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अटल रहेंगे और यहीं जिद लेके यहीं पर बैठेंगे। इस तरह का भावना है यहाँ का जनता का। इसलिए हमारा कहना है कि जब तक इस प्रक्रिया में हमारे सुविधाजनक पहल नहीं होता है तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये आज का घटना नहीं है, बीते को रोज से ही घटना घटते आ रहा है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देते हैं। मेरा नाम है सुनील कुमार महतो, झारखंड आंदोलनकारी, वर्तमान में वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। धन्यवाद। श्रीराम सैनिटरी एंड बोरवेल 12 वर्षों से एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिटेल एंड होलसेल स्टोर है, जो सैनिटरी और बाथरूम प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट है। जमशेदपुर के मानगो पाडी रोड केला बागान शाची ग्रीन के समीप स्थित ये 12 वर्षों से क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबल सर्विस के साथ ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।